आज हम बहुत ही इजी तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी आपके किचन में अवेलेबल होंगे। गाजर को ग्रेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। देखते हैं अपनी इस डिलीशियस रेसिपी को। सबसे पहले 1 लीटर दूध लेंगे, इसको हम बॉयल कर लेंगे और इसको धीमी धीमी आँच पर तब तक पकने देंगे जब तक कि ये आधा क्वांटिटी में नहीं रह जाता। दूध देखिए बॉयल हो चुका है और इसको गैस को धीमा करके छोड़ देते हैं। दूध जब तक बॉयल हो रहा है तब तक गाजर को काट लेते हैं। ये देखिए गाजर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। गाजर को ग्रेट नहीं करेंगे, बस इसी तरीके से कट कर लेंगे। गाजर कट चुकी हैं। ये 8 से 9 इलायची ली हैं, इनको कूट लेंगे। इलायची को कूट के इनका छिलका निकाल लेंगे और छिलकों को गाजर के साथ में डाल देंगे, जिससे जो इलायची का फ्लेवर है वो अच्छे से हलवे में पहुंच जाएगा। इलायची कूट चुकी हैं, इनका पाउडर अलग कर लेंगे और छिलके अलग कर लेंगे। हलवे को कुकर में बनाएंगे, इसीलिए कुकर में 2 टेबलस्पून मैंने ये देसी घी डाला है। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके निकाल लेंगे घी में। इनको रोस्ट करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इनको अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में एक करके निकाल ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है और निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद में उसी कुकर में जो हमने गाजर काट के रखी थी वो डाल देंगे और इनको अच्छे से घी में भूनेंगे। थोड़ा सा केसर मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से अब इसको घी के साथ में भूनेंगे। गाजर को अच्छे से भूनना है। घी में गाजर को भूनने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और जो इलायची के छिलके निकाल के रखे थे इसी टाइम पर गाजर के साथ में इनको डाल देंगे। इससे क्या होगा, इलायची का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से हलवे में आ जाएगा। गाजर को इसी तरीके से 4-5 मिनट के लिए घी के साथ अच्छे से भूनेंगे। ये 1 किलो गाजर है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए। गाजर अच्छे से भुन चुकी हैं घी के साथ में। यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 2 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। गाजर को बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, बस 90% तक ही कुक करना है। 2 विसिल के बाद में जब इसकी गैस निकल आएगी कुकर को खोलेंगे और देखिए गाजर बॉयल हो चुकी हैं। गाजर को बस इतना ही बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। ज़्यादा बॉयल करेंगे तो जो गाजर है बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगी और जो टेस्ट है हलवा का वो अच्छा नहीं आएगा। गाजर 90% तक कुक हो चुकी हैं, 10% हम इसको दूध के साथ में पकाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे और गाजर को दूध में पका भी लेंगे। ये देखिए दूध हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था, ये बॉयल होते होते इतना बचा है। बीच बीच में चेक करते रहेंगे दूध को भी, नहीं तो नीचे लग जाएगा। दूध देखिए गाढ़ा हो गया है। अब इसको गाजर में डाल देंगे, जो हमने बॉयल की थी गाजर उसी में इसको ऐड कर देंगे। अब गाजर को हमें दूध के साथ में ही कुक करना है। इस तरीके से चलाते जाएंगे और हल्का हल्का इसको मैश भी करते जाएंगे। एक बार आप लोग भी इस तरीके से गाजर का हलवा बना के देखिए। Within 10 मिनट में आप गाजर का हलवा तैयार कर लेंगे और बहुत ही डिलीशियस भी होता है। अब ढक के इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद में फिर से चेक करेंगे इसको और इस तरीके से मैश कर देंगे गाजर को। गाजर को हम पकाते भी जाएंगे और इस तरीके से मैश भी करते जाएंगे। आप किसी स्पैचुला से या मैशर से किसी से भी इसको मैश कर सकते हैं। इस तरीके से हमें गाजर को तब तक पकाना है जब तक ये हलवे के फॉर्म में ना आ जाए और दूध की क्वांटिटी भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। आप देख सकते हैं गाजर ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरीके से कॉन्स्टेंटली इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए जो गाजर है वो हलवे के फॉर्म में आ गई है। 1 मिनट तक इसी तरीके से गाजर को भूनेंगे और आप देख सकते हैं गाजर अच्छे से पक चुकी है और दूध भी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, बिल्कुल भी दूध नहीं बचा है इसमें। इसके बाद में अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 200 ग्राम मैंने चीनी ली है। आइडली हम गाजर का 1/4 चीनी ऐड करते हैं, मतलब 1 किलो गाजर है तो इसमें 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ऐड की है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
और कम मीठा पसंद है तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। चीनी को जब हम हलवे में ऐड करेंगे तो ये डिज़ोल्व होगी, तब पानी छोड़ेगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी छोड़ा है इसने। इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो नीचे से जल जाएगी। यहाँ पर हमने जो इलायची का पाउडर निकाला था वो ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे उनको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे के साथ में। गाजर को चीनी ऐड करने से पहले ही पका लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद में ये कुक नहीं होती है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए कितना अच्छा हलवा बना है, टेक्सचर एकदम ठीक है और बिना ग्रेट किए हुए आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप देख सकते हैं इसमें ना खोए की ज़रूरत पड़ी ना ही कंडेंस मिल्क की, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से आप इस डिलीशियस हलवे को बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हलवा बना है, बहुत ही डिलीशियस। आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा एक बार ज़रूर बना के देखिए, 10 मिनट में आप गाजर का हलवा बना लेंगे, बहुत ही डिलीशियस बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ना तो गाजर को ग्रेट करना है, बस सिंपल काटना है और हलवा बना लेना है। हलवा बनके तैयार है, इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है, टेक्सचर कितना अच्छा आया है। बस गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हलवे को सर्व करेंगे। आप भी इसी तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बना के देखिए, बहुत ईजिली आप इसको बना लेंगे और बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना अच्छा हलवा बना है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। जब भी आपका गाजर का हलवा खाने का मन करे इसी तरीके से 10 मिनट में गाजर का हलवा बनाइए और खाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।